फर्स्ट ऑफ ऑल समस्त को ओडिशा कम्युनिकेशन ले बहुत बहुत स्वागत। वर्तमान समय रे ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन तरफ रु ओडिशा जुडिशियल सर्विस रे रिक्रूटमेंट पाई नोटिफिकेशन रहिसि। एही पोस्ट पाई केउ माने आवेदन करिवे, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम सिस्टम, एवरीथिंग अपडेट पाई परिबे। ता पूर्व कोइ रखुछि जदि आपन माने आमो चैनल ले नोआ निश्चित भाबरे वीडियो गुटे लाइक करंदो, चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई दियंतु, लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबुट पथे पाई पाए। देखंतु प्रथमत नोटिफिकेशन टी रहिछि ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन तरफ रु आपणकर जुडिशियल सर्विस रो रिक्रूटमेंट पाई नोटिफिकेशन रहिछि। प्रथमत एथिपाई ऑनलाइन आवेदन आरंभ हो जोटा कि फेब्रुआरी 17 तारीख रु एवं यार लास्ट डेट रहइबो मार्च 17 तारीख। आपणकर गोटे मास समय रहइबो, एही मास मध्यरे आपण आवेदन करिबे एवं एथिरे आपणकर सैलरी बहुत भल रहइबो, जोटा कि आपणकर पे स्केल 77,840 रु 136,520 एटा रहउछि पे स्केल। एवं एथिरे टोटल वैकेंसी केतोटी रहउछि ना आपणकर 57 57टी आपणकर पोस्ट रहउछि। अन रिजर्व रे आपणकर 25टी रहउछि, एससीबीसी रे रहउछि 6टी, आपणकर एससी रे रहउछि 19टी एवं एसटी रे रहउछि 13टी एवं आपणकर फिजिकल डिसेबिलिटी मानक पई रहउछि 4टी एवं टोटल पोस्ट आपणको देखिया गले रहइछि आपणकर 57 57टी पोस्ट रहउछि। एवं यहा परे आपणकर आसुछि एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया कौन रहना, एज आपणकर मिनिमम 23 इयर, मैक्सिमम आपणकर 35 इयर, आपणकर 23 रु 35 वर्ष मध्य बयस होता दरकार। एवं केबेस होता दरकार ना फर्स्ट डे ऑफ मंथ अगस्ट 2022, आपणकर 1/8 आपणकर 2022 डेट सुधा आपणकर बयस लिमिट आपणको दिया जाइछि। एवं यहाँ सहित जो माने विशेष करी एससी एसटी ओमेन्स एवं एक्स सर्विसमैन ए समस्त आपणकर ओडिशा गवर्नमेंट अनुसार 5 इयर रिलैक्सेशन रहिछि। एवं जो माने फिजिकल डिसेबिलिटी अछन सेमानक पई 10 इयर्स रो आपणकर रहिछि करना रिलैक्सेशन। देन यहाँ पर आपणकर आछि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपणकर शिक्षागत योग्यता कोन देबा दरकार। प्रथमत आपणकर ग्रेजुएट इन ल, जोटा कि आपणकर ग्रेजुएट इन ल बा ग्रेजुएट डिग्री आपणकर ल रे करथिबा दरकार। ताहा सहित आपणकर सुपरिटेंडेंट किंबा मिनिस्ट्रियल ऑफिसर जेकोणसी हाई कोर्ट सिविल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट रे आपणकर 7 इयर मैक्सिमम 7 इयर रु अधिक आपण कार्य करथिबा दरकार, तेबे जाइके आपण एथिपई एलिजिबल हे पारिबे, नहले आपणकर एथिपई आपण एलिजिबल हे पारिबे नाही। देन यहा सहित आपणकर यहार जो एग्जामिनेशन आपणकर विशेष करी ओडिशा रे मेन मेन जगह रे करा जिवो। एवं आपणकर सिलेक्शन प्रोसीजर कोन रहइबो ना, आपणकर तीनोटी एग्जाम तीनोटी फेज रे रहइबो। प्रथमे आपणकर प्रिलिमिनरी हेबो, तापरे मेन हेबो, तापरे इंटरव्यू हेबो, तापरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेबो। एही तीनोटी प्रोसेस माध्यम रे आपणको रिक्रूटमेंट करा जिवो। जेतेबेले आपणकर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करा जिवो सेतेबेले 100 मार्क्स रे आपणकर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करा जिवो। एवं सेतरे आपणकर सिलेबस डिटेल्स जिनस आपण माने हमर ऑफिशियल जोटा कि आप टेलीग्राम चैनल पाई ओडिशा कम्युनिकेशन। एवं यहाँ पर मेन रिटिन एग्जामिनेशन करा जिवो जोटा कि आपणकर 150 मार्क रे एयर करा जिवो, जोटा कि सिलेबस दिया जाइछि। एवं एही पर भाबरे तापरे आपणकर मने रखंतु जेतेबेले प्रथमे आपणकर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टा आपणकर एमसीक्यू रे करा जिवो। एससी एसटी कैंडिडेट्स पई आपणकर रहिछि केतना 35% क्वालिफाइंग मार्क एवं अदर कैटेगरी पई रहिछि 40 जोटा कि आपणकर क्वालिफाइंग मार्क। ठीक सेमिति आपणकर मेन रिटिन एग्जामिनेशन ले मध्ये क्वालिफाइंग मार्क रखा जाइछि, जो माने कैटेगरी जाउछन्ति से माने 33 आज जो माने आपणकर अन्य जो जनरल जोटा कि एससीबीसी से मानक पई रहिछि 45% मार्क्स बा 45 मार्क रखिया पई पड़िबो। देन यहा परे आपणकर 100 मार्क रे इंटरव्यू करा जिवो, से अनुसार आपणको सिलेक्शन मिलिबो। एवं प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन आपणकर ओडिशा रा मुख्य सिटी जेमते बालेश्वर, ब्रह्मपुर, भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर एही सब जगार करा जिवो। इन केस ऑफ कैंडिडेट्स अधिक होचन तबे आपणकर एग्जामिनेशन सेंटर बडा जिवो, किंतु 5टी एग्जामिनेशन जोन ले आपणकर एग्जामिनेशन हबो। अदर क्राइटेरिया मध्यरे आपणकर इंडिया रे सिटीजन हेतबा दरकार एवं आपणकर फिजिकली माने आपणकर स्ट्रांग माने आपणकर हेल्दी कंडीशन दिबा दरकार,
देन ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ରିଡ୍ ରାଇଟ୍ ସ୍ପିକ୍ ଓଡ଼ିଆ ସେଇଟା ଆପଣ କରିଥିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଏମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଥିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ NOC ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ନା, ଆପଣଙ୍କର HSC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତାପରେ LLB ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମେଟ୍ରିକରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଛି ତେବେ ଅରିଡ଼ ହେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ସର୍ଭିସର 7 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ସେଟାକୁ ଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ତା'ର ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଫିଜିକାଲ ଡିସାବିଲିଟି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍, ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟେଡ଼ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର 2 ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ଏବଂ ଇନ୍ କେସ୍ ଯେଉଁମାନେ SC ST SCB ସେମାନେ ନିଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ। ଏନି ID ପ୍ରୁଫ୍ ଗୋଟେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।